टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तशरीफ रखें, आप बैठें, तशरीफ रखें प्लीज। जी मैडम, क्या पोजीशन है? मैं, मेरा नाम फायजा है और मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ये केस मैंने दर्ज करवाया है और ये केस शुरू होने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा मैं एक यतीम लड़की हूँ, मेरी चच्ची ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। जब मैं 12 साल की थी, एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अच्छा। मैंने जॉब करके अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी स्टडी कंप्लीट की, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी डेजिग्नेशन पे अच्छी जॉब हासिल की। जैसा मेरा केस इन साहब पे है जो कि मेरे शौहर हैं और मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में जॉब करते थे। अच्छा जी। 4 साल पहले इन्होंने ज्वाइनिंग दी, तो उसी बेहा पे जैसा मैं इनकी बॉस हूँ ऑफिस। आप इसकी बॉस हैं? जी, मैं इनकी बॉस हूँ। अच्छा। तो ये ऑफिस में बहुत चुप चुप रहना, ना किसी से बात करना, ही इज वेरी इनोसेंट। मतलब ये दिखाते थे कि बहुत इनोसेंट है, बहुत परेशान, अदाकारी कर रहे थे। जी जी, बेसिकली ये अदाकारी कर रहे थे आपका दिल जीतने के लिए। जी जज साहब, हमदर्दी हासिल करने के लिए, बेसिकली अपने कुलीग्स की और मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए। जज साहब, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां देखी, बहुत तकलीफें उठाई, बगैर माँ बाप के मैं बड़ी हुई, मेरी चच्ची ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया। जैसे साहब, मुझे भी एक सहारे की जरूरत थी। अच्छा। क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरी शादी की उम्र हो गई थी, पर मैं चाहती थी कि कोई ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे समझे, उससे मेरी चीजों से, मेरे पैसे से लालच ना हो और मुझे मुझे उससे लालच ना हो। हम दोनों को एक दूसरे की सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची अंडरस्टैंडिंग हो। ना मतलब ये तो आपने कहा मैं अंडरस्टैंड, तो ये तो आपके अंडर था, आपने उसको स्टैंड कर दिया। जैसे साहब, बस यही मुझसे गलती हो गई कि इनकी इनोसेंट पर्सनैलिटी के पीछे एक जो खुद गर्ज इंसान था वो मुझे नजर नहीं आया। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये मोहब्बत अंधी होती है, पता है? जी जज साहब, सही कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। और मेरी मेरी तो आंखों में पर्दा डल गया था। जज साहब, जज साहब, इस तरह से इन्होंने ऑफिस में ज्वाइनिंग ली, तो एक दो महीने तक मैंने इन्हें देखा कि ये अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में आपने बंदा ले लिया जो अंडर है और फिर वो स्टैंड हो गया। जी जज साहब, ये बस बहुत बड़ी गलती हो गई। ना मैंने इनकी एज देखी, ना मैंने इनका ऑफिस में औदा देखा, सिर्फ मैंने इनकी वो इनोसेंट पर्सनैलिटी नजर आई मुझे कि ये इंसान, अगर मैं इसके साथ आगे जिंदगी गुजारने, इसको लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचूंगी तो ये एक मैच्योर इंसान है। ये मुझसे उम्र में दुगने हैं। मैंने ना इनकी उम्र देखी, ना डेजिग्नेशन देखी, बस मैंने देखा कि यार मुझे एक सच्चा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ ईमानदारी से चल सके। आपसे उम्र में भी दुगना था। जी जज साहब, आपने फिर भी एग्री कर लिया। जज साहब, बस मुझे सच्चाई नहीं पता थी इनकी, इन्होंने मुझसे छुपा कर रखा। 4 साल तक ये मेरे साथ रिलेशन में रहे, 2 साल शुरू की, 1 साल हमारी दोस्ती रही। हमारी दोस्ती इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग में तब्दील हो गई कि हम ऑफिस की मीटिंग से, कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शहर जाते रहे। मैंने इनको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया, मैंने इनकी डेस्टिनेशन की पोस्ट और बढ़ा दी, इनका प्रमोशन करवाया जज साहब ऑफिस में बोल के, मैंने इनकी सैलरी बढ़वाई, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स अटेंड करने के लिए शहर से बाहर जाते रहे, साथ टाइम स्पेंड किया। और इन्होंने मुझे कभी जाहिर नहीं होने दिया कि ही इज मैरिड। और जज साहब, इनकी एक 8 साल की बेटी भी है, इसलिए पिछले 4 साल के रिलेशनशिप में इन्होंने एक दफा भी मुझे नहीं पता लगने दिया कि ये मैरिड। इवन जज साहब, मैं नहीं, पूरे ऑफिस को नहीं पता था कि ये इंसान मैरिड है। इन्होंने सबको धोखे में रखा जज साहब। 4 साल हमारा रिलेशन रहा, 2 साल हमारी दोस्ती रही, आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। मैंने इनसे इजहार किया अपनी मोहब्बत का, और इस बीच में इनसे पूछती रहती थी कि आपकी फैमिली कहाँ है, आपके घर वाले कहाँ हैं, आप मुझे मिलवाइए उनसे, हम इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, हम शादी करने जा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आपकी फैमिली मुझे देखे, तो जस्ट अब ये यही कहते रहे कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे ताया ने और ताई ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, वो गाँव में रहते हैं, अब मैं यहाँ जॉब करता हूँ, शादी के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा वहां पे। जज साहब, तो ये मुझे यही कहते हैं, ये नहीं बताया कि हमारी गांव में बहुत जमीनें हैं। जी जज साहब, ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे ये नहीं बताया। जज साहब, मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि अगर ये मुझे बताते कि इनकी जमीनें हैं, ये रिच है, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। जज साहब, मुझे इन चीजों में दिलचस्पी थी ही नहीं।
मैं खुद इनकी बॉस थी जज साहब, मेरी सैलरी माशाल्लाह इतनी है, मेरा फ्यूचर ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फ्यूचर, मुझे बस एक सच्चा लाइफ पार्टनर चाहिए था जज साहब। अगर मैं गलत लड़की होती तो वही नहीं मिला ना, वही नहीं मिला जज साहब। अगर मैं गलत लड़की होती तो मैं अपनी दुगनी उम्र के आदमी से क्यों मोहब्बत कर बैठती। मैंने यही देखा कि यार ये इंसान मुझसे बड़े हैं, ये मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, आपकी कहानी सुन के अब लग रहा है कि वाकई जैसा आज आपने देख भी लिया। हाँ, इतनी अंधी हो। अंधी नहीं होती, मेरी तो आंखें फूट गई थी जैसा। हाँ, हाँ, डबल हाँ। अंधी हो गई मेरी मोहब्बत, वही तो मैं देख रहा हूँ जी, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। और कहते हैं ना कि लड़कियां बड़े आदमी की उम्र से शादी करती हैं, एक तो उनकी इनकम ज्यादा, एक तो उनके दिन कम। जैसा मैंने तो ऐसी कोई मिसाल नहीं, मैंने तो झूठा साबित किया, उलट आ रहा है, उलट किया जज साहब मैंने तो। जज साहब 4 साल आपके दिन कम कर रहे थे जी जज साहब, ये पीठ पीछे मेरे खंजर खोप रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। 4 साल में मुझे इनसे इतनी मोहब्बत होगी कि ये मेरे घर पे आके रुकने लगे जज साहब। मेरी चच्ची इनको अपने हाथ के खाने बना बना के खिलाती रही, फरमाइशें करते थे, आज चच्ची अम्मी से बोले कि आज मेरे लिए पुलाव बना ले, आज मेरे लिए कौरमा बना ले, मतलब मेरे घर पे आके रुके नवाबों की तरह जिंदगी। मैं भी कह रही हूँ कि नहीं यार, इनका कोई आगे पीछे नहीं है, ही इज वेरी इनोसेंट, ये बिल्कुल अकेले है मेरी तरह, मैं भी एक यतीम हूँ जज साहब। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भी लावारिस समझ के गोद ले लिया। बस ये मैंने एक बुड्ढे इंसान को मैंने जज साहब अपने सर पे बिठाया, गोद ले लिया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस जो है ना दुगनी उम्र के आदमी को ना मैंने जो है ना एक इनोसेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान समझा जज साहब, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो 4 साल में जैसा हमारी मोहब्बत इतनी होगी, हम लोगों ने अपनी चच्ची की मौजूदगी में 2 महीने पहले हमने निकाह कर लिया। अच्छा, चार कुछ रिश्तेदारों को बुला के जी 2 महीने पहले हमने निकाह कर लिया जैसा साहब। जैसा साहब निकाह हमारा चलता रहा, ये टाइम नहीं देते थे घर पे। मैंने कहा जब आपका कोई रिश्तेदार नहीं है तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते, आप जाते कहाँ है? नहीं, मैं गाँव जा रहा हूँ ताई ताया से मिलने, मैं शहर जा, मैं गांव जा रहा हूँ ताई दादा से, मैं वो बीमार है। मैंने कहा मुझे भी साथ लेके चलने यार, मैं तो आपकी बीवी हूँ। आप ताई के लिए एम्बुलेंस भेज देती? मैं एम्बुलेंस भेज देती, मैं उनको आगा खान में इलाज करवाती जज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छी पोस्ट पर हूँ, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास जज साहब। इनकी ताई का बिल भी कंपनी से पे हो जाता जी, पर जज साहब इन्होंने मुझे कभी गाँव नहीं लेके गए, 2 महीने गुजर गए। वो तसव्वुराती ताई थी, वो तसव्वुराती ताई थी, इनकी ताया ताई को मरे भी 10 साल हो गए जज साहब। झूठ बोलते रहे। और मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो जज साहब 2 दिन पहले मुझे पता लगा कि ये इंसान शादीशुदा है, और तो और इसकी एक 8 साल की बेटी भी है, और इसकी शादी को 8 साल हो गए। जज साहब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हाँ। कि जिस इंसान के लिए मैंने इतना किया जज साहब, 4 साल तक यह आदमी मुझे लूटता रहा। मेरी अभी देख रहा है, ये सारा कुछ वापस मिलेगा जितना इसने आपको लूटा है। जज साहब इसके साथ जो नहीं है वो आप देखना। हाँ। जैसा मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं इसी उम्मीद से आई हूँ कि मुझे यहाँ आज आपकी अदालत में मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं इंसाफ लेके जाऊंगी जज साहब। आपको बता दूं, और आपके केस के तवसुत से सारी पब्लिक को भी बता दूं जो लोग देख रहे हैं, अभी कानून में अमेंडमेंट हुई है पाकिस्तान पीनल कोड में, दफा 485 PPC आ गई है, 495 है मेरे ख्याल में, 495। उसमें लिखा है कि जो शख्स शादीशुदा है और नई लड़की से शादी करता है और उस बात को छुपाता है, उस बात को छुपाता है, तो 495 के तहत वो मुजरम है, काबिले ताज़ीर जुर्म है, दस्त अंदाजी पुलिस, और उसमें 10 साल सजा है। कितनी है? 10 साल। 10 साल सजा। हाँ, और हमारे यहाँ लॉ ये है कि ऑफेंसेस पनिशेबल विद 10 years इंप्रिजनमेंट, उसमें बेल ग्रांट नहीं होती, जब तक केस चलेगा अंदर पड़ा रहेगा। जैसा बस मैं यही चाहती हूँ इसको सजा हो, और जो मैंने इस पे 125 करोड़ रुपए 4 साल में जैसा साहब मैंने इस आदमी पे इन्वेस्ट किए हैं, मैंने अपनी सारी सेविंग इन्वेस्ट कर दी इस आदमी के ऊपर, वो रिकवरी का सूट अलग फाइल कर दें आप। मेरे पास सबूत है जैसा साहब, इसकी गाड़ी की किस्तें मैंने भरी हैं। इसकी गाड़ी की भी किस्तें आपने भरी जी जैसा साहब, इसको इसके पास खटारा गाड़ी थी, मुझे रोता रहा कि मेरी इतनी जेब गुंजाइश नहीं देती कि मैं गाड़ी चेंज करूं। मैंने कहा आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं आपको किस्तों पे नई गाड़ी दिलाती हूं। जैसा साहब मैंने इस आदमी को नई गाड़ी दिलाई अपने मतलब अपनी सैलरी से, आपने इक्विटी पे की। हाँ, इसकी फिर एक दिन परेशान होकर बैठा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हमारे गाँव की जमीन बिक जाएगी, उस पर वो हमने गिरवी रखी हुई थी। मैंने कहा आप मुझसे पैसे ले, अपने गाँव की जमीन छोड़वाए, वो आपकी पुरखों की निशानी है। वो जमीन थी नहीं, लेके क्या करता रहा? एक मिनट वक्फा, वो उस बीवी पे लगाता रहा आपका माल। हाँ,
जी जज साहब, मुझे लगता है जो आज इसकी बीवी ये सोना पहन के बैठी हुई ना, ये सब मेरे ही पैसों का है। अभी वक्फा करते हैं। ये कंगाल के बाद इतना नहीं था कि इसकी बीवी को इतना ये जो है ना सोने पहनाए और इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। वक्फे के बाद इसकी बीवी का इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा जी, वक्फे से पहले आप बता रही थी कि इसने कहा कि हमारे घर की जमीन गिरवी पड़ी है। जी जज साहब। आपने ठग से पैसे निकाल के दे दिए। जी। कि जाओ जमीन छुड़ा के आओ। 15 लाख रुपए जज साहब मैंने इसको कैश दिया कि जाओ अपनी गांव की जमीन छुड़वा कर आओ तुम। और पता नहीं कि जमीन है भी या नहीं। मैं बोलती भी रही जज साहब, 4 साल के अरसे में 2 महीने में जब से हमारा निकाह हुआ मैंने इनसे ये कहा कि मुझे गांव लेके जाएं, मुझे अब जमीन देखनी है। जमीन दिखाओ तो सही। हम उस जमीन पे कुछ कारोबार कर लेंगे, कुछ घर बना के हम किराए पे दे देंगे। मतलब इन्होंने मुझे टालते रहे, केले उगा लेंगे। सिंध में केला बहुत उगता है जी। हाँ, वहाँ जमीन में बहुत केला है। कोई खेती बाड़ी कर लेंगे, अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे। हम बिजनेसमैन, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। पर जज साहब, ये आदमी मुझसे 15 लाख रुपए लेके इसने क्या किया मुझे नहीं पता। जज साहब, अब मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे 1.25 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, और इसने 25 लाख रुपए जो निकम है, हक महर है, मुझे मेरा वो भी दे। और जज साहब, मैं उम्मीद से हूँ 2 महीने से, और मेरे बच्चे का अपनी जायदाद में हक भी दे। इंशाल्लाह वो होगी, जायदाद तो मिलेगा ना। पहले पता करें, उनके तो बाल भी नहीं है। अच्छा जी, अब बताएं सरकार, क्या आपने सारी पूरी कहानी सुनी है? जी जी, जैसा मेरा नाम जवाद सिद्दीकी है। जवाद साहब, ये क्या कर दिया आपने? और मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये दाएं हाथ पे जो खातून बैठी है, ये मेरी वाइफ है और ये मेरी सेकंड वाइफ। तो ये देखिए, ये आपसे छुपा के वारदात कर रहे थे। इन्होंने मोहतरमा ने हमें यहाँ बुलाया तो हमें पता चला कि ये शादी शुदा है। एक चीज समझ में नहीं आई, जैसा 4 साल से ये आदमी इसके साथ रिलेशनशिप में था और हमें नहीं बताया इसने, ना ही उन मोहतरमा को पता चला। आपका शौहर कहाँ जा रहा है, आपको पता करना चाहिए था। मेरा शौहर काम पे जा रहा है यहाँ पर, अब मुझे नहीं पता कि आप बहुत ज्यादा ये चक्कर चला रहे हो। वो एक एक हफ्ता घर नहीं आ रहा, आपको पता नहीं क्या क्या बुला रही थी, बुला रही थी, मुझे क्या पता। तुम बुला रही थी तो मैं जा रहा था ना। अगर मुझे पता होता कि वो शादी शुदा बीबी तुम इतनी छोटी नन्नी का की तो हो नहीं, मेरे पास किसी की कमी बुला रही नहीं है, ना रिश्ते की ना पैसे की। रिलेशन में हो तुमने कभी? मैं एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन हूँ मैं, मेरे पास ना रिश्तों की कमी थी ना। तो कर लेती ना, रिश्तों की कमी नहीं थी तो मेरा ही मियां मिला था। यही तो गलती हुई कि मैंने इस तो गलती क्यों की? क्यों की? इतनी वेली थी तुम? नहीं, जो मिलता उसके साथ कर लेती। मेरी क्या वेली थी? तो वेली बीबी जबान संभाल, तुम अपनी जबान संभालो, समझ आई ना? अपने शोहर का गिरेमान पकड़ो तुम। वो तो है ही घटिया इंसान जो चला गया इधर उधर मुंह मारता फेरा। जबान संभाल के बात करो, तुम तो चुप रहो। क्यों, क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे को जहर देके मार दूंगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है जय साहब, मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन ये दोनों खातून आपके सामने लड़ने लगी, बात वहीं पे रह गई। बात ये है कि आपने एक टाइम पे दो दो जिंदगियां खराब कर दी। नहीं जय साहब, बात यह है कि मेरी वाइफ है, 9 साल से, 9 साल पहले हमने शादी करी, 8 साल की मेरी बच्ची है, लेकिन इसके वालिद साहब ने मुझे बचपन से पाला है, तो इनके एहसानात के तले मैंने बहुत जिंदगी गुजारी अपनी। और जब मैं बड़ा, एहसानात तो इस बॉस के भी बहुत थे, इसने आपको प्रमोट किया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जय साहब, तो इसके वाले इनके वालिद साहब के मेरे ऊपर बहुत एहसानात थे। तो इनके वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि तुम इनसे शादी करना चाहते हो? तो मैं इसको बचपन से जानता हूँ, ये बहुत तेज तरार और जरूर से गुस्से वाली खातून है। तो मैं मना करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि एहसानात के तले दबा हुआ था, लिहाजा मैंने हाँ कर दी। शादी हुई, शादी होते होने के तकरीबन 2-3 साल तक हमारे हालात बहुत अच्छे चलते रहे। उसके बाद इसका रवैया घर के अंदर मुख्तलिफ होना शुरू हो गया। घर में मैं आता था तो घर बिखरा हुआ होता था, बर्तन किचन में बिखरे हुए होते थे, कपड़े वॉशरूम में बिखरे होते थे। तो ये पता चलनी शुरू, ये बाद में हुआ, सारी खामियां तुम्हें मेरे पे बाद नहीं नजर। ये सब कुछ ये पहले से शुरू से जानते थे तुम मुझे, मेरे साथ पले बड़े हो तुम। जी जी, इतने नन्हे तुम भी नहीं थे कि तुमने जबरदस्ती तुम्हारे को खूंटे से बांध दिया और अब तुम बीवी की फ्रस्ट्रेशन निकाली आपने मुझसे। तुम्हें भी जब तक मैं बात कंप्लीट नहीं करूंगा, नहीं मिला तो बाहर वालों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। बात सुनो, चुप रहो, खामोश। जब तक बात कंप्लीट नहीं करूंगा, जज साहब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मसले कैसे उठे और ये नौबत यहाँ तक आई? नहीं तो आप बर्तन, ये मसले उठे कैसे? तुम्हारी वजह से उठे, तुम्हारी वजह से उठे। तो मैं दूसरी जगह पे मुंह मारना था इसलिए उठ गए मसले। नहीं
तुम एक जगह बन के रह गए ना। देखिए इसका रवैया इतना जालमाना था कि ये मेरी इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह तो भी आप बंदूक की नोक पे रहते थे तुम तो हर वक्त, ये हर वक्त मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर में रखती थी मुझे, और उसकी वजह से मैंने इनको बहुत कोशिश करी। जब मैं घर में आता था मैं समझाता था कि भाई अपने अपने रवैये सही करें, घर घर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, बच्ची अलग पड़ी हुई है, घर के निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। ना सुबह जाते हुए ऑफिस मुझे नाश्ता मिलता था, ना कभी जब मैं घर में आता तुम था। भूखे जाते थे, भूखे रहते थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो तुम्हें पका पका के तो यही कहते थे कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं बगैर नाश्ते के आता हूँ ऑफिस, मैं बगैर लंच के आता हूँ। तो वो पता चले तुम्हारे घर में खुला खाता है, चाची से पुलाव बनवा लो, तुम्हारे घर में खुला खाता है, कोरमा बनवा लो, दवाई का आने का बजट कोई नहीं है, तुम्हारी चाची इतनी वेली थी, जिसे मिला जो मिला उसको ले मान संभाल के, वो बड़ी है उम्र में तो क्या आप बड़ी से बात करें, बड़ी नहीं इज्जत करवानी बड़ी माने क्या एक दो क्या करो इन औरत पर क्या बड़ी नहीं बड़ी बड़ी है तुम करो इज्जत है जी, मासूम थी इन्होंने बहुत धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया हमको, मासूम थी नहीं मासूम थी, चाचा के ऊपर ताक लगा के इन्होंने धोखा दिया हम लोगों ने, मेरे पे रखा हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी, इन्होंने बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूं, आप नन्नी थी जय साहब, नन्नी की क्या बात, हमारी खराबी की तरफ चले गए थे कि शादी का आदमी कैसा होता है, इस तरह भैया जालमाना था, मैं घर से दूर होना चाहिए, देखा है ना इन्होंने आकर जो बताया, घर से दूर होने लगा, वो फायदा नहीं, तो इनका रवैया इनकी हमदर्दी मेरे मेरे ऊपर खास हावी हो गई, हावी हो गई थी, तो इनके रवैये की वजह से मैं इनके करीब करीब होना शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, ना कोई मोहब्बत थी, ना कोई और वजह थी, लेकिन नौकरी पक्की कर रहे थे, ऐसा नहीं है जज साहब, नौकरी पक्की नहीं कर रहा था, लेकिन जब कोई किसी के साथ हमदर्दी का रवैया कोई भी हो उसके साथ इस तरह का रवैया होता है तो फिर ऑटोमेटिक तुम तो मिस्कीन दे, तुम्हें तो हर तरह से हमदर्दी ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिस्कीन, यहां से भी हमदर्दी चाहिए थी, वहां से भी हमदर्दी तुम्हें मिलती रही, तुम तो दोनों हाथों से लूटते रहे बस हमदर्दी, जब आपका रवैया सही नहीं था जब तो दूसरे की हमदर्दी ली, तभी तो आपने 4 साल दुगदुगी बजाई, क्या पता आपने क्या करा उनके साथ, इतनी बड़ी गलती नहीं करती इस आदमी पर भरोसा करके, मेरे कहने पे की बीबी बर्बाद हुई, अगर हम अपने शौहर को सुख देती बाहर मुंह ना मारता, मुंह लटकाए लटकाए दूसरों की हमदर्दी ना हासिल कर रहा होता, यानी कि कोई भी इसके साथ गलत रवैया रखेगा ये तुम्हारे पल्लू से किसी और के पल्लू से बन जाएगा, तो पूछे ये तो किसी मेरे पल्लू से, ये तो मेरे पल्लू से कभी इधर लुढ़क के कभी उधर बोला, क्यों नहीं बताया कि शादी का बात बात नहीं पूछा, मैंने पूछा तुम्हारा है कोई आगे पीछे, मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं हूं लेके बैठी रहती थी, मैं यहीं हूं, मैं मिस्कीन हूं, कॉन्फ्रेंस में जा रही होता रहता था, मेल मिलाने के लिए चाहता था, क्यों छुपाया इसने, क्यों छुपाया, डरता है तुमसे, ये तुम्हें भी धोखे में रखा मेरी भतीजी को, भी धोखे में रखा उसके अनपटी पे, दोनों को धोखा दिया जय साहब, हालात पता चल रहा है कि हालात इतने ज्यादा खराब थे, इनका रवैया ज्यादा खराब होने की वजह से मैं घर से दूर होता चला गया, सुबह मैं ऑफिस जल्दी निकलता था और रात को घर में देर से आना शुरू हुआ, सुने इनके रवैये की वजह से, सुने क्या कह रहे हैं तुम, रात को देर से मेरे रवैये की वजह से नहीं आते थे, मोहतरमा की जुल्फों के असीर थे तुम, वहां बैठे रहते थे, ऐसा नहीं था, क्या तमीज से बात करूं, 4 साल भाई बना के रखा तुमने, वो भी मेरा शौहर है, तो अब शौहर है ना 2 महीने उससे पहले ही सही निकाह किया है हमने, हां जी, और मैं भी इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ जी, जय साहब ये जाने किसको, और मैं आप जैसे लोगों की तो पना मांगू भाई, मुझे तो रहना ही नहीं है आप जैसी खातून के साथ, ये भी है बैटरी धमाका करने वाली है, जज साहब आपने इसका रवैया देख लिया, जूतों के काबिल हो, ये इस रवैये के बिना पे आप समझते हैं कि कोई शरीफ आदमी अपनी औरत के साथ घर में आराम से शरीफ आदमी के करतूत नहीं होते, सॉरी समझ आई, जज साहब मैं घर से दूर होना शुरू हो गया और रात को मैं सुबह जल्दी घर से निकल रहा था, रात को मैं देर से घर आ रहा था सिर्फ इनसे दूर रहने की वजह से, और रात को आता था तो अपना कमरा अलग कर दिया, दूसरे कमरे में लेटने लगा कि इनको एहसास हो कि इनका रवैया मेरे साथ बहुत जालमाना है, और जब मैं ऑफिस में जाता था तो फायदा का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा था, बहुत रहम दिलाना था जी, रहम दिलाना, पैसों पे पैसे गिर रहा था ना, पैसों पे पैसे दे रही थी, तुम्हें क्या बुरा लगता, तुम्हें तो पैसा मिल रहा था, पकी पकाई बेगम की देख साथ मिल रही थी कि खाई जाओ और लगाई जाओ बस,
बस यही देखो ना, तुम तो यही चाहते थे बस। नहीं जय साहब ऐसा नहीं था, बल्कि उसके बाद मैंने ये उसके चार साल के एहसान को गिनवा रही है। मैं बात कर रहा हूँ, बात तो करो। तो मेरे बाप ने सारी जिंदगी लगा दी है, तुम्हें क्या पता कौन सी जमीन। अब मैं जब मैं ऑफिस में, आपको कहां है तुम्हारी गांव में जमीन, सब कुछ बताओ। जमीन चले एक बफा लेते हैं, मेरे बाप की है जमीन, बात करने के बाद बात कंप्लीट नहीं होगी। मेरे जमीन ढूंढते हैं कहां से, थोड़ा जमीन ढूंढते हैं, देते रहे पैसे। जय साहब जब तक मैं अपनी बात वक्फे के बाद शुरू करते हैं, जमीन ढूंढते हैं। हाँ जमीनों का देख रहे थे, ढूंढने जा रहे थे, क्या हुआ? पूछे कि कौन सी जमीन, कैसी जमीन और कहाँ है जमीन, मुझे बताएं, मैं जाऊंगी जमीन देखने। पूछे इनसे, ले एड्रेस ले जस साहब इनसे, जमीन के लिए 15 लाख रुपए लिए मुझसे। जी कि मैं जब घर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया, हाँ हाँ, और ऑफिस में जाके फायदा का रवैया मेरे साथ नरम, तो मैं दोनों का मुआवजना करना शुरू हो गया। अच्छा, दोनों को आपने साथ, एक तरफ मुझे जन्नत नजर आने लगी और एक तरफ दोजख। ये दोजख वो जन्नत, इस जन्नत और दोजख के चक्कर में मैं सैंडविच हो गया। तुम्हारे जैसा ना मैंने कभी इंसान नहीं देखा दुनिया में। मैं रात को जब सोता था अपने बिस्तर में, तो मुझे फायजा नजर आती थी, मेरा तसव्वुर कभी सायरा की तरफ नहीं गया। तो होते होते फिर फायदा मुझे अपने साथ टूर के ऊपर लेके जाने लगी, हमारी कुर्बत मजीद करीब आ गई। माशाल्लाह, ठीक है, देख लें जज साहब, ये वहां पे कमाने जाता था कि टूरों पे जाता था, देख लें। ये ऑफिस के कह रहे हैं कि मैं जब सोता था जय साहब, तसव्वुर बीवी का नहीं आता था, बीवी का नहीं आता था, यहाँ पे लड्डू पेड़े बांटता था कि यहाँ पर, इसको बीवी का तसव्वुर नहीं आया, नहीं। अपनी बेटी का इसको ख्याल नहीं आया, इसको ये शर्म नहीं हुई कि और 10 साल बाद वो जवान हो जाएगी और शादी करके बैठ गया अपनी बच्चियों की उम्र की लड़की से। अब बताएं, इसका रवैया इतना अच्छा मेरे साथ था कि मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। वो तो मोहब्बत हो गई, शादी भी हो गई, वो लुट भी गई है, रकम भी गई और हर चीज चली गई। जैसा मुझे अब इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, आप इंसाफ बताएं, मुझे चाहिए जज साहब, कहाँ से देगा, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, पूछो इसे कहाँ से देगा, वो जमीन देना, वो जमीन बेच देना, सारा कुछ मेरा है, मेरे घर वालों ने दिया है, इसका अपना क्या, ये खामोश खामोश रहे, हमारे खर्चे में पड़ा, खामोश खामोश रहे, बात करने दे, बैठ जाए बैठ जाए। जज साहब, इसने मुझे मुख्तलिफ टाइम में तोहफे तवाइफ जो भी दिया वो लिखती रही, लेकिन मैंने कभी इसे मांगने की जिसारत नहीं करी, ना मैंने इसे कभी मांगा, ना मैंने इसे कभी मांगा, ना तकाजा किया, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। लेकिन ये जो कुछ दे रही थी अपनी मर्जी से दे रही थी, और मैंने इससे कभी तकाजा नहीं किया, आप इसे मुझे, लेकिन हुआ ये देती रही, आप लेते रहे, हाँ ये मैंने जरूर किया, और वो भी इनके बेपनाह तकाजा करने के बाद कि आप रख लो, आपने बेटा बनाया था ना, ठीक है, और आप सही कह रही थी चाची, आप मुझे सही समझा रही थी कि बेटा सोच लो समझ लो, 2 महीने पहले सोच लो समझ लो, सोच लो समझ लो, नहीं करो इस शख्स से शादी, 4 साल से सो रही थी चाची, घटिया शख्स, 4 साल से सो रही थी, लेकिन इसको कहना चाह रहा हूँ जज साहब, 4 साल से वो मुलाकातें करती रही, घूमने जाती रही, आपके मियां ने फसाया, मैंने इसको नहीं है फसाया, इसने मुझे इतनी चीजें तुम किसी के भी आगे डालोगे अभी वो तुम्हारे साथ चल पड़ेगा। मैंने सिर्फ मोहब्बत में शादी करनी थी, मैंने ऐसे ही नहीं चीजें आगे डाल दी, 4 साल तक नहीं डाल रही थी, किसी ने शादी करने के बारे में सोची कि तो वो मियां बीबी एक दो गाड़ी के एक दाने डाल दिए 4 साल तक, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो साथ नहीं चलते हैं, मैंने यही कहा जो मेरा है वो आपका है, जैसे आप हम नहीं रह सकती, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आप ये बताइए कि मैंने कमाई, मैंने बात सुनी, आपकी तो बात समझ आ रही, शादी करते हुए तुम्हें हमारा ख्याल आया, ये वो जाराना रवैया है जिसकी वजह से घर से मैं काफी दूर हो गया था। हाँ अच्छा बात सुनिए, मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ, मैं नहीं रहूंगी, मुझे मेरा 25 लाख रुपए
मुझे इससे चाहिए, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। उसको भी चाहिए। इंसान के साथ जो ठीक आदमी है, ये धोखा दिया इसने मुझे, शर्म नहीं आई इसको धोखा देने में। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ये बात सारी मोहब्बत की थी। आप बता देते ना, चार साल से बता मुझे छुपाई ये बात इसलिए छुपाई गई थी कि अगर मैं, मेरे दिल में खौफ हो गया था कि अगर मैं इसको बता देता हूँ तो मुझसे दूर हो जाएगी, जबकि मैं इसके मोहब्बत के शहर में मेरी याचिका खत्म हो जाएगी। मुझे पैसे कौन देगा, मुझे मजे मजे के खाने कौन पका देगा? आप इसका एटीएम कार्ड थी, एटीएम कार्ड खत्म हो गया। इसी डर की वजह से मुझे नहीं बताया कि ये शादीशुदा है। चले आप बड़ा सा, चलो तुम्हें तो नहीं बताया तो मुझसे क्यों छुपाया इसने? मैं तो मेरी शौहर से पूछो, 8 साल तुमने झक मारे। आपका फर्ज है, तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। अब तुम्हें छोड़ देगा कहीं और लग जाएगा, इसे तो जगह जगह मुंह मारने की आदत हो गई बेगैरत को। न्याय कटिया इंसान है तू, है ना? शर्म तेन दसा आप घर जाके दिखाओ। इस औरत की बदतमीजी देख के आप खुद तेरा गड़िया बना देख के तो मैं बदतमीज डर हो जाऊंगी। लिटर तने पहन गया, वेरी गुड, देखो लिटर भी बनवा रहे हैं। अच्छा आप बताइए फिर, आपको खुला चाहिए? जी जैसा आप पहला काम के खुला तो खैर आपको मिल जाएगी, लेकिन ये पहला काम करें, इनके ऊपर FIR कटवाएं। जी जैसा 495 PPC में आप फौरी तौर पर थाने में FIR लिखवाएं। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पनिशेबल विद 10 years इम्प्रिजनमेंट। इन्होंने ये छुपा के एक वारी लड़की से शादी की है धोखाधड़ी से। तो इन आदमियों के लिए कानून बन गया नया, ये विमेन की प्रोटेक्शन के लिए, ये पीपल को पाकिस्तान पीनल कोड में ये अमेंडमेंट आई है, और इस मुद्दे को बिल्कुल सही अंदर करा दो। जय साहब, मेरे साथ रहम किया जाए, मैंने ऐसा कुछ ही नहीं किया था, ये सारे काम मैंने 495 ये तो ऑफेंस है ना सर, हमने तो नहीं किया, उसमें लिखा हुआ किताब में, लेकिन किताब के मुताबिक है ना। और आपने इसका क्या असर करना है? फाइनल आपके ऊपर सारा डाल दिया है, फैसला आपने करना है। जस्ट साहब, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ। मैं एक यतीम लड़की, मैंने मेरी शादी की उम्र निकल गई, मैंने शादी नहीं की, एक अच्छे इंसान की तलाश में रही सारी जिंदगी। जस्ट साहब, मैं इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ कि इस इंसान, जिस इंसान पे मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया, अपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी सेविंग्स मैंने इस पे खत्म कर दी, और इसने मुझे धोखा दिया। जज साहब, मैं इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसको सजा हो जज साहब, और मेरे मेरी जितनी भी इसने मुझे लूटा है, मेरी सारी सेविंग मुझे वापस करे, मेरा हक है दे, मेरे बच्चे का नाम नफका दे। जज साहब चले, यहाँ वक्फा लेते हैं, फिर ये आपकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। हाँ जी, तो अब कहाँ, किस नतीजे पर पहुंची आप, क्या किया जाए? मैंने तो एक मशवरा दिया है कि खुला भी हो जाएगा, ये 10 साल अंदर भी हो जाएगा, केस बन जाएगा, FIR करा दे इसको अंदर, कि इनको सजा हो, करा दे अंदर। जैसा मैं भी नहीं चाहती कि इनको सजा हो, कल को इनका बच्चा जो मेरे कोख में पल रहा है वो पैदा हो और उसको पता लगे कि उसका बाप जो है ना वो पहले से ही जेल में है, पता चला बच्चा मुलाकात के लिए जेल जा रहा है। जी जैसा जैसा आप, दिल पे पत्थर रख के मैंने ये फैसला लिया है कि इस औरत को तलाक दें। अच्छा। तो फिर मैं इन्हें माफ कर दूंगी, क्योंकि मैं इस जाहिल किस्म की औरत के साथ नहीं रह सकती, जो मुझे देनी है, क्योंकि मैं आप जैसी जाहिल किस्म की औरत के साथ गुजारा नहीं कर सकती। मैं 9 साल हो गए, 8 साल किसकी बच्ची है, मुझे कैसे तलाक दे दे, तुम्हें दे दे फिर तलाक। जैसा साहब, दोनों खवातीन बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, मैं दोनों के साथ बुरा है ना, बुरा दोनों के साथ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई ऐसी राह निकले कि मैं दोनों को अपने साथ रख लूं, ऐसी कोई राह निकले तो मैं अदालत से ये एक टिकट में दो मजे हो जाए। नहीं, ये तो चाहता है कि पांचों उंगलियां घिजबी और सर एक और भी आ जाए, दोनों हाथों से लड्डू खाने, दोनों हाथों से लड्डू खाने हैं, ये बिल्कुल तैयार है, दोनों एक और भी आ जाए, कब्र में टांगे इसकी, तीसरी कहां से लेकर आएगा, इनके साथ रहूंगी, दो का पूरा नहीं कर पा रहा, उससे भी लेके खा रहा है और इधर का भी खा रहा है। क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये खातून भी एक बेटी की माँ है, तो मैं
मैंने ये सोचा, मेरी चाची ने मुझे समझाया कि किसी का घर खराब करना अच्छी बात नहीं है। तो जैसा मेरी शर्त ये है कि ये 5 दिन मेरे साथ रहेंगे, 2 दिन इसके साथ रहेंगे। अच्छा डिवाइड कर दे टाइम। जी जज साहब। नहीं जज साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये 5 दिन मेरे साथ रहेगा, 2 दिन इसके साथ रहेगा। वो बॉस है ना? बॉस है तो क्या, मैं 9 साल से बीवी हूँ उसकी। इसकी कजन भी हूँ मैं, इसकी रिश्तेदार भी हूँ मैं। ये मेरे ताया का बेटा है। ताया का बेटा है, ठीक है ना? और ताया की तो ये रहेगा मेरे साथ। इतनी ही मोहब्बत रहेगा तो मेरे साथ? मोहब्बत है नहीं है? ये मेरे बेचारे की हालत देखते थे जब ऑफिस आता था, नहीं है? ब्रेकफास्ट करके आता था ना, लंच लेके जो भी है, ये गुस्सा मत आओ, कुछ नहीं हो। ये 5 दिन मेरे साथ रहेगा, 2 महीने मैंने कैसे रखा है जी? नहीं, सर का ताज बना के रखा है मैंने इसको, 2 महीने कुछ भी बना लो। मुझे इससे 8 साल में क्या हालत कर दी कि इसको बाहर मामू मारने में मजबूर हो गया? वो कुछ भी करे बीबी, वो कुछ भी करे, तलाकिए मुझे दे दे, समझते थे इसको, तलाकिए मुझे दे दे, ये तलाक मुझे देगा तो जहर दे के मार भी दूंगी इसको। ना ये तुम्हारे जोगा ना ये मेरे जोगा, तो मार दो। मैं अभी समझ आई आपको, फोन मार दो, मार दो। 5 दिन ये मेरे पास रहेगा, 2 दिन तुम्हारे पास रहेगा। सर अब मैं ये चाहता हूँ कि दोनों ने कबूल कर लिया था कि हम दोनों रहना चाहती हैं, तो उस सूरत में कोई ऐसा रास्ता निकल जाए। रहना चाहती हैं तो दिनों का मसला चल रहा है ना उसके ऊपर, फिर ये वो कह रही है मैं सीनियर हूँ, 5 दिन मांग रही है, मैं इनको 2 दिन दे रही है, ये 5 दिन मांग रही है, वो 2 दिन। तो अब दिन डिवाइड करें ना, हफ्ते में कितने दिन होते हैं बाबा? 7 दिन। हाँ तो 3.5 दिन तो ठीक है ना, 3 दिन ये इसके बाद रहे, 3 दिन मेरे पास, 1 दिन तबलीग के लिए चला जाए, तबलीग आदमी की। ये बात सही है, 1 दिन तबलीग पे चला जाए। जय साहब, मैं 1 दिन अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपना, आप 1 दिन एक दिन दोस्तों के साथ बैठ के तीसरी की गुंजाइश निकाल लूंगा, तीसरी की प्लानिंग कर लूंगा कि आप किसको बताना है अपनी मासूमियत से। जैसा एक रात वहाँ चले, इसको अलग रखे और मुझे अलग रखे, 5 दिन ये मेरे साथ रहेगा, 2 दिन ये इधर रहेगा, वो तो अपना 3 दिन के रहेगा और 1 दिन के लिए अपनी इस्लाह करें। 1 दिन का तबलीग पे जाए और 1 दिन जो बच रहा है वो तीसरी ढूंढे। वाह बीबी वाह, 8 साल तो तुम इसको संभाल नहीं पाई, 1 दिन में तुम खुले खुले सांड की तरह छोड़ दिया। जा मेरे सांड जा। बीबी तुमने संभाल लिया ना तो संभाल लो। मैंने तो संभाल ही लिया, संभाल लो ना, 2 दिन बहुत होते हैं संभालने के लिए। मैंने तो 8 साल भुगत लिया था, अच्छा खासा संभल गया था, बात खुल गई ना, खुल गई बात, फंस गया। जब तक चक्कर था ना तुम्हारा तब तक ये तुम्हारे सामने खुला नहीं था। हाँ अब तुम्हारी शादी हो गई ना, अब तेरा खुलेगा तुम्हारे आगे, आगे खुलता ही जाएगा, खुलता ही जाएगा, खुलता ही जाएगा, खुलता ही जाएगा, खुलता ही जाएगा। सिमटे थे गाल करी। अब देखना चाची आप बताएं। जैसा साहब बस अब हमें इंसाफ दिलवाएं, इस शख्स से हमारा पीछा छुड़वाएं ताकि मेरी बेटी सुख। इस शख्स से पीछा छुड़वाएं, वो तो कह रही है रख रहे इसको, अगर रहना है वो तो 3 दिन रख रही है, इनको अलग घर लेके दें, उसको अलग घर लेके दें और बराबर से मुआवजा करें, 2 दिन इधर रहे 2 दिन उधर रहे, ताकि बाकी के दिन 7 दिन है ना, तो उन्होंने कहा 3 दिन रहे और 1 दिन जो है ये तबलीग पे जाएं। कोई बात नहीं है, 2 दिन का सही है, 1 दिन तबलीग पे जाएं। हाँ सही है, क्यों जी? बिल्कुल सही, 3 दिन दोनों कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इनको भी और उनको भी है, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इनको भी और उनको भी, दोनों को मिलकर रहना, दोनों को मिलकर रहना पड़ेगा, बहनों की तरह रहेंगी। जी, मैंने अपनी बेटी को नहीं साथ में रहना देता, अलग अलग रहना, अलग अलग रहना है, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। मजबूर हो गई हूँ इस आदमी, बच्चे की वजह से, बच्चे की वजह से जैसे साहब तो 3 दिन आपके घर में झाड़ू पोछा करेगा, 3 दिन उधर करेगा साहब, अब ये यही करेंगे, जितनी मैंने इनकी खिदमत की है ना, अब इनसे करानी है, ये मेरा असल रंग अब करानी है जी। मैं आपकी वाली गलती नहीं करूंगी कि 3 दिन यहाँ रखूं, 3 दिन वहां रखूं और 4th दिन 7वें दिन जो है कहीं और मुंह मारने के छोड़ दूं। 4 दिन आप यही रह लेना, मेरी खिदमत कर लेना, जो गुनाह किए हैं ना, जो गलतियां की हैं, जो धोखा दिया है, किसी सूरत भी नहीं रहेगा, ये तुम्हारे साथ कर दूं। ये 4th दिन तुम्हारे साथ तो किसी सूरत नहीं रहेगा, वो 4th दिन भी मैं गुजार लूंगा तबलीग के लिए, तुम्हारे साथ नहीं आने दूंगी। समझो तुम्हारे बच्चे की खातिर मैंने तुम्हें कबूल कर लिया, वरना कोई ऐसी बात खास नहीं। मैंने भी तुम्हारी बेटी का मुंह देखा, मैंने इस आदमी को तुम्हें बर्दाश्त किया है सिर्फ उस मासूम बच्ची की वजह से। किसने बोला, कौन पैर पकड़ा है तुम्हारे,
कि तुम हमें बर्दाश्त करो। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझे फोर्स तो तुम इसी को बर्दाश्त करती हो। ये सौगात तुम्ही को मुबारक हो। मैं जो मजबूर हूँ अपने बच्चे के लिए, मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए इसको लेके बैठी हूँ और कुछ भी नहीं। दो बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो इस आदमी की वजह से। हमारी तो हो गई है, दो बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो। मैं सिर्फ इसलिए मजबूर हुई हूँ कि मैं सुलह की तरफ जा रही हूँ, ठीक है? वरना तो मैं इसका वो हशर करती कि सारी जिंदगी तुम इसकी रिहाई करवा देती, इसको रिहाई नहीं मिलती। एकदम मोहब्बत से नफरत, धोखे का केस है इसके ऊपर। तुम्हारी जो हरकत है मोहब्बत खत्म हो गई जवाद साहब, खत्म खत्म। और बस अब ये इसके ऊपर फैसले पे ले आते हैं बात। अब आप लोगों ने एमिकेबली सेटल कर लिया है बात, तीन तीन दिन की है तो चार दिन और तीन दिन, तो मैंने डिसाइड किया कि आप साढ़े तीन तीन दिन रख ले, जिसके घर में रह रहा हो वहां से शाम को निकले, आधा दिन वहाँ चला जाए, फिर वहाँ से जब निकले तो वहाँ से शाम को निकले, तो आठवां दिन ज़ाया नहीं होगा। और बाकी आप लोग इससे झाड़ू पोछा कराएं आ जाए तो, ठीक है ना? ठीक है बस, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा बर्खास्त होती है।